अब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। गुड मॉर्निंग बेटा रोहित। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ ओके। चलो कॉर्डेटा पढ़ते हैं। हमने नॉन कॉर्डेट्स हमारे खत्म कर लिए हैं, अब हम फाइलम कॉर्डेटा पे आते हैं। कॉर्डेटा इज अ फाइलम। ओके, दिस इज अ फाइलम। ओके, दिस इज अ फाइलम। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, सो कॉर्डेटा, जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके हमारे पास एक फोर मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि वहाँ पे फेरेंजियल स्लिट्स यानी गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, फेरिंग्स के पास ऐसे गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं, फेरेंजियल पाउचेस। पोस्ट एनल टेल होती है, टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ह्यूमंस में और एप्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जो टेल होती है वो ह्यूमंस और एप्स में एब्सेंट होती है, जबकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, जब वो एम्ब्रियो रहता है, जब ऑर्गेनिज्म हमारा एम्ब्रियो रहता है तब हमारे टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी हमारी टेल जो होती है वो एब्सेंट होती है यहाँ पे। सो मेन आपको बस ये टर्म्स याद रखने की फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसीलिए हमने इसे बोला है कि ये जो हमारे है ये हमारे कॉर्डेटा है ना। नोटोकॉर्ड उनमें प्रेजेंट रहता है। नोटोकॉर्ड क्या हो जाते हैं, आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम में बन जाते हैं, वर्टिब्रेट्स में। ठीक है, वर्टिब्रेट्स में ये जो हमारा नोटोकॉर्ड है वो आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ठीक है, वर्टिब्रेटा क्या है, यहाँ का सब फाइलम है। ठीक है, वर्टिब्रेटा क्या है, सब फाइलम है। उसके बाद नर्व कॉर्ड जो रहती है वो हमारी डोर्सल रहती है, डोर्सल यानी पीछे की तरफ हॉलो नर्व कॉर्ड रहती है जो कि आगे चल के नर्वस सिस्टम बनाती है, यानी कि द ब्रेन एंड द स्पाइन, है ना, ब्रेन और द स्पाइन बनाते हैं नर्व कॉर्ड। तो हमारे बेसिकली कॉर्डेटा के फोर मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, फारेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं और हमारा पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। इतना क्लियर है, ये चार चीजें क्लियर है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, दिस वन नोटोकॉर्ड है ना, एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में होता है, कहीं कहीं पे पूरा ओवरऑल रहता है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड ही आगे चल के वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहता है जो आगे चल के ये जो ब्रेन है यहाँ पे, ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारी, वो स्पाइन बनाते हैं। फेरिंजियल पाउचेस होते हैं, फारिंग्स होता है ना, और एक पोस्ट एनल टेल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार पॉइंट्स है आपके कॉर्ड अटैक के। नाउ द फाइलम कॉर्ड अटैक, फाइलम कॉर्डेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू सब फाइलम, दैट इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ओके, प्रोटोकॉर्डेटा को ही हम अक्रानिएटा बोलेंगे और वर्टिब्रेटा को हम बोलेंगे क्रानिएटा। ठीक है, ये क्या है, ये सब फाइलम है आपके, ये क्या है, ये आपके सब फाइलम है। ये एक सब फाइलम है प्रोटोकॉर्डेटा और ये एक है वर्टिब्रेटा। ठीक है, कॉर्डेटा को हमने कौन से दो सब फाइलम में डिवाइड करे, प्रोटोकॉर्डेटा और एक वर्टिब्रेटा। अब यहाँ लिखा है अक्रेनिएटा, है ना, अक्रेनिएटा यानी इसमें क्रेनियल, क्रेनियम नहीं रहता है, क्रेनियम नहीं रहता, ब्रेन बॉक्स जिसे हम बोलते हैं ना, क्रेनियम यानी
जैसे कि हमारा स्कल हो गया, वो एक ब्रेन बॉक्स है जहाँ पे हमारा ब्रेन रहता है, ठीक है। तो दैट इज एब्सेंट इन प्रोटोकॉर्डाटा। नोटोकॉर्ड हमारा लाइफ टाइम तक के रह सकता है। नोटोकॉर्ड ये कोई वर्टिब्रल कॉलम में नहीं बनता है, ये वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस नहीं होता है। वर्टिब्रेटा में क्या रहेगा? वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, ठीक है। वर्टिब्रेटा में हमारा वर्टिब्रल कॉलम रहेगा, इतना ठीक है। अच्छा, दिस इज ग्रुप्स, ओके, दीज आर ग्रुप्स, दिस इज नॉट सब फाइलम। ओके, लेट इट बी। अच्छा, ओके, लीव इट। सब फाइलम अगेन अवर प्रोटोकॉर्डाटा इज देन डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा, एंड दिस इज यर गिवन एज सब फाइलम, एंड द प्रोटोकॉर्डाटा इज गिवन एज ग्रुप, वेयर एज वर्टिब्रेटा इज गिवन एज सब फाइलम। ओके, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन बेटा। द फाइलम, the phylum again, chordata is again divided into subphylum, that is urochordata and cephalochordata. Okay, urochordata, cephalochordata, again one subphylum is vertebrata. ठीक है, ये तीन subphylums है, ये जो है ये एक particular group है जिसे group में divide किया गया है, ठीक है। Now urochordata, जैसे ये protochordata के अंदर आते हैं, urochordata में notochord जो है सिर्फ larval stage तक के ही रहता है, उसके बाद वो नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। यूरोकॉर्डाटा में नोटोकॉर्ड जो है वो लार्वल स्टेज तक के ही रहता है। उसके बाद सिफेलोकॉर्डाटा, नोटोकॉर्ड इसमें कैसा रहेगा, हेड से लेके टेल तक के हमारा नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, हेड से लेके टेल तक के नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। देन देन हियर सब फाइलम, हियर सब फाइलम गैंथोस्टोमाटा एंड सब फाइलम अगांथा इज गिवन। ओके, मेरे पास दो डायग्राम है, दो डायग्राम में दो अलग चीजें दी हुई है, दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग समवॉट कंफ्यूजन। This is not subphylum, this is division. Again, this is division. Okay. Great. ठीक है, मैं पहले से बताती हूँ आपको ये। इसमें एक्चुअली मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, तो मैं आपको क्या अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। We have a phylum chordata. ठीक है, द फाइलम कॉर्डाटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइलम कॉर्डाटा। अभी तक हमने नॉन कॉर्डाट्स में बाकी सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डाटा, ठीक है, जिसमें एक आएगा ग्रुप, हमारा ग्रुप है प्रोटोकॉर्डाटा, जिसे हम अक्रानिएटा बोलेंगे, ठीक है। दिस इज अ ग्रुप, दिस इज नॉट अ सब फाइलम। देन प्रोटोकॉर्डाटा इज अगेन डिवाइडेड इंटू टू सब फाइलम, दैट इज यूरोकॉर्डाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा, ठीक है। यूरोकॉर्डाटा एंड सेफेलोकॉर्डाटा, दीज आर सब फाइलम्स, अगेन वर्टिब्रेटा, अगेन वर्टिब्रेटा, ओके। सो द फाइलम कॉर्डाटा इज डिवाइडेड इनटू यूरोकॉर्डाटा, सेफेलोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा एज अ सब फाइलम, ठीक है। प्रोटोकॉर्डाटा में क्या हमें ब्रेन बॉक्स देखने नहीं मिलेगा, यानी क्रैनियम जो है वो देखने नहीं मिलेगा। नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रहेगा उनके, है ना। नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ रह सकता है, मे लिखा है, मे भी, ओके।
उसके बाद वर्टिब्रेटा में क्या होगा, हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ जाएगा, है ना। वर्टिब्रेटा में क्या रहेंगे, हमारे वर्टिब्रल कॉलम देखने मिल जाएंगे। ग्रेट। फिर सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा, नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वल स्टेज तक के ही रहेगा। सेफेलोकॉर्डेटास में क्या होंगे, नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से लेके टेल तक के हमें देखने मिलेगा, है ना, एंटायर हेड से लेके टेल तक के। देन वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू डिवीजन गैंटोस्टोमाटा एंड अगांथा। ठीक है, अगांथा इन द सेंस दे डू नॉट हैव जॉज, अगेन गैंटोस्टोमाटा यानी दे हैव जॉज, दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेट्स बोल सकते हैं, हाँ यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेट्स बोल सकते हैं, हम पढ़ेंगे आगे के के के। ठीक है, नाउ गैंटोस्टोमाटा हैविंग जॉस इज डिवाइडेड इनटू सुपर क्लास स्पाइसेस, ओके, एंड सुपर क्लास टेट्रापोडा। नाउ सुपर क्लास स्पाइसेस, स्पाइसेस इन द सेंस फिश, देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ फिशेस, है ना। एक साइथस होता है जिसमें जो कि कार्टिलेजिनियस फिश होता है, और एक ऑस्टियोसाइटस होते हैं, ऑस्टियोसाइटस जिसे हम बोनी फिश बोलते हैं। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस इन डिटेल, ओके। यहाँ पे बस आपको नाम याद रखना कि कौन सा क्या है, दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, क्योंकि हम कॉर्डेटा लिख देते हैं, एम्फीबिया लिखते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्लास के बारे में बात हो रही है, डिविजन, सुपर क्लास, किस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, जो पाइसिस है इट इज नॉट अ क्लास, इट इज अ सुपर क्लास। पाइसिस इज अगेन डिवाइडेड इन टू टू क्लासेस, एंड दैट That is chondrocytes and osteocytes, okay? Chondrocytes in the sense cartilaginous fish and osteocytes is bony fish. Again superclass tetrapoda, जो कि हमने already gigantostoma में पढ़ा, जिसमें jaws present है, it is divided into class amphibia, reptilia, aves and mammalia, okay? Amphibia, reptilia, aves and mammalia. इतना ठीक है, मैं बहुत confused कर दी मैंने। अगांता की बात करते हैं, अगर हम डिवीजन अगांता की बात करते हैं तो दैट इज डिवाइडेड इनटू क्लास ऑस्ट्राकोडर्मी, जो आपको देखने नहीं मिलता है बिकॉज दिस इज एक्सटिंक्ट नाउ, ये सिर्फ हमें फॉसिल्स में देखने मिलते हैं, इसलिए हम इसकी बात नहीं करते हैं। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू ऑस्ट्राकोडर्मी एंड साइक्लोस्टोमाटा, सो वी विल बी स्टडिंग अबाउट साइक्लोस्टोमाटा, ओके। दिस इज अगेन अ क्लास, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास। इतना क्लियर है आपको? नहीं होगा तो रिपीट लिखो, रिपीट करवा देती हूँ मैं, और अगर क्लियर होगा तो यस लिखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके कमेंट मुझे नहीं दिख रहे हैं। अरे रिपीट, ओके हिमांशु, ओके चिराग, रिपीट रिपीट रिपीट। सी व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज फाइलम कॉर्डेटा, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा, ऐसे इसको हम बोलेंगे फाइलम कॉर्डेटा। हाँ बेटा, सबने रिपीट लिख दिया है, मैं रिपीट करवा रही हूँ, ओके। फाइलम, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्डेटा, ओके। देन देयर इज अ ग्रुप, दिस इज नॉट अ सब फाइलम, दिस इज अ ग्रुप, ओके, दिस इज अ ग्रुप। द ग्रुप इज प्रोटोकॉर्डेटा एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज अ क्रानिएटा। उसमें क्रैनियम बॉक्स यानी ब्रेन बॉक्स नहीं होता है, क्रैनियम नहीं होता है, ठीक है, जिसे हम स्कल बोलते हैं ना, वो इसमें नहीं होता है। नोटोकॉर्ड जो है वो उनके लाइफ में परसिस्ट कर भी सकता है या नहीं भी कर सकता है, अब उस नोटोकॉर्ड के बेसिस पे हमने इसे यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड किया है। ठीक है, हमने किसके बेसिस पे, नोटोकॉर्ड के बेसिस पे उसे यूरोकॉर्डेटा या सेफेलोकॉर्डेटा में डिवाइड किया गया है। तो ये जो है ये हमारे सब फाइलम है, ठीक है। सो बेसिकली आप ऐसे लिख सकते हो, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री सब फाइलम, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ओके। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, हम इसमें इसे डिवाइड करेंगे एंटायर हमारे फाइलम कॉर्डेटा को, ठीक है।
ये जो है प्रोटोकॉर्डेटा, इट इज अ ग्रुप, ठीक है। जैसे हम सॉरी इकोनॉमिकल नहीं, हम टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ रहे थे ना, कि सब पहले फाइलम आएगा, डिवीजन, ग्रुप, ऐसा कुछ आता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीशीज, ये सब हमने पढ़े थे ना ऐसा। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इंटू यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होगा, नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ लार्वल स्टेज पर ही रहेगी। सेफालोकॉर्डेटा में क्या होगा, हेड से लेके टेल तक के प्रेजेंट रहेंगे। वर्टिब्रेटा में क्या होगा, जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएंगे। अब हमने इसे तो डिवाइड नहीं किया, इसे हमने ऐसे ही रहने दिया, हमारे यूरोकॉर्डेटा सेफालोकॉर्डेटा को छोड़ दो। अब हम आते हैं वर्टिब्रेटा के तरफ, है ना। वर्टिब्रेटा को हमने फिर से दो डिवीजन में डिवाइड किया है। दिस इज डिवीजन, दिस इज नॉट सब फाइलम, दिस इज डिवीजन। करेक्शन कर लो, आपके पास नोट्स होंगे तो उसमें ना। अगेन डिवीजन अगांथा, डिवीजन अगांथा, दैट व्हाट डज दैट मीन, अगांथा इन द सेंस सीधे सीधे कि इसमें जॉ प्रेजेंट नहीं होते, जॉ यानी कि जबड़े अपने, वो उनमें प्रेजेंट नहीं। This jaws is this agantha is again divided into class ostracodermy, जो कि अभी extinct हो चुका है, अभी नहीं देखने मिलता हमें, जो कि extinct हो चुका है, अभी देखने नहीं मिलता है। और एक आता है class cyclostomata, ठीक है, अगेन एक class cyclostomata, इसके बारे में हम details में पढ़ेंगे, ठीक है। class cyclostomata किस में आएगा, agantha में, है ना, डिवीजन अगांथा के अंदर क्लास आएगा हमारा साइक्लोस्टोमेटा। नाउ डिवीजन गैंथोस्टोमेटा, इस गैंथोस्टोमेटा जितने भी एनिमल्स इसमें रहेंगे उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये रहेगा कि उनमें जॉ प्रेजेंट रहेंगे, है ना, जॉस प्रेजेंट रहेंगे। इसको हमने दो सुपर क्लास में डिवाइड किया है, दैट इज अ सुपर क्लास पाइसेस, पाइसेस इन द सेंस फिश, है ना, पाइसेस यानी कि फिश। फिशेस को भी हमने दो क्लास में डिवाइड किया है, एक कॉन्ड्रोसाइट्स और एक ऑस्टिसाइट्स, ठीक है, कॉन्ड्रोसाइट्स और ऑस्टिसाइट्स, ये भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक कॉन्ड्रोसाइट पढ़ेंगे, ऑस्टिसाइट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद ये साइक्लोस्टोमाटा पढ़ेंगे हम। उसके बाद हमने देखा था कि डिवीजन, हमने एक सुपर क्लास स्पाइसेस में डिवाइड कर दिया था गैंथोस्टोमा को, और सुपर क्लास टेट्रापोडा में डिवाइड कर दिया था। तो टेट्रापोडा क्या बनाएंगे, हमारे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, क्या क्या पढ़नी है हमें अभी डिटेल में। एक तो सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा सेफालोकॉर्डेटा पढ़ना है, क्योंकि उसके नीचे और किसी को हमने डिवाइड नहीं किए हैं। उसके बाद क्लास कॉन्ड्रोसाइटिस पढ़ना है, ऑस्टिसाइटिस पढ़ना है, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमलिया और साइक्लोस्टोमेटा, ये सारे हमें पढ़ने हैं अभी डिटेल में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं यूरोकॉर्डेटा से, इसे हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, जैसे ओंकार ने बताया है, ठीक है, हम इसे क्या बोलेंगे, ट्यूनिकेट्स बोलेंगे। ट्यूनिकेट्स क्यों बोलते हैं इसे, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स, व्हाई दे आर कॉल्ड। यहाँ पे थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करे मैंने, आपके नोट्स में नहीं होंगे तो आप प्लीज लिख लो उसे। अच्छा, गर्ल्स पहनती थी ना ऐसे ट्यूनिक्स पहनते थे हम लोग, देखो स्कूल में ऐसे ट्यूनिक्स बोलते थे हम उसे। सो दिस बॉडी इज कवर्ड बाय सम कवरिंग एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिक लाइक कवरिंग होती है इसमें, इसीलिए हम उसे ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लियर है या नहीं इतना बताओ, अगर नहीं होगा बेटा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, आपके लिए ही पढ़ रहे हैं हम, ओके। एडल्ट्स जो होते हैं वो हमारे सेल्यूलोज लाइक स्ट्रक्चर, है ना, सेल्यूलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने हुए होते। अच्छा, रिपीट, रेबेलियस गर्ल क्या रिपीट करवाना है बताओ मुझे, पहले वाली स्लाइड की, ये वाली, पहली वाली स्लाइड सबको समझ में आई क्या, देयर इज सम मिस्टेक्स बेटा, मैं आपको क्लियर वाला एक इमेज भेजती हूँ। हाँ ठीक है, ये वाली, ये हमारा यूरोकॉर्डेटा है, ठीक है, ये क्या है हमारा यूरोकॉर्डेटा। अभी हम यूरोकॉर्डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। यूरोकॉर्डेटा क्या था, हमारा एक फाइलम, सब फाइलम था, है ना, सब फाइलम था,
उसमें ये यूरो कॉर्डाटा के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये सबसे पहले मराइन होते हैं, ठीक है, यानी कि हमें ये सी वाटर में देखने मिलेंगे, ये हमें सी वाटर में देखने मिलेंगे। उसके बाद दिस बॉडी इज कवर्ड विथ समथिंग, है ना, किसी कैसे कुछ तो भी कवर जैसा लग रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये जो कवर है ये किससे बना हुआ है, सेल्यूलोस जैसे सब्सटेंस से बना हुआ है, सेल्यूलोस से बना हुआ है, ठीक है। अब ये कवर्ड है इसीलिए हम इसे ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, यानी ट्यूनिक बोलते हैं। हम पहले स्कर्ट्स पहनते थे ना स्कूल में, स्कूल का यूनिफॉर्म होता था गर्ल्स का स्कर्ट्स, ऊपर में ऊपर में शर्ट इन करके रहते थे। सो द स्कर्ट वी यूज टू कॉल द स्कर्ट ट्यूनिक्स, राइट, ट्यूनिक। सो दिस दैट इज वाई दिस इज कवर्ड विद सेल्यूलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड दैट इज वाई वी कॉल्ड इट एज अ ट्यूनिकेट्स, ट्यूनिक जैसे वो कवर करके है इसलिए हम उसे ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। दिस आर मोस्टली ससाइल इन द सेंस अलोन, अकेले फॉर्म होते हैं ये, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो है ये सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होता है, इन द टेल, वो भी लार्वे के टेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होता है वो लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हमने इसका नाम यूरोकॉर्डेटा दिया हुआ है। डिसअपियर हो जाता है एडल्ट में। हमारे जो यूरोकॉर्डेटा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एक्सक्लूसिवली मराइन, है ना, सी वाटर में देखने मिलेगा, हम उसे कॉमनली क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। ये कॉमनली वी कॉल्ड इट एज ट्यूनिकेट्स, इट इज कवर्ड विद सेल्यूलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर मोस्टली सेसाइल। अगेन नोटोकॉर्ड जो होता है वो टेल में प्रेजेंट होता है और वो भी सिर्फ लार्वा में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में डिसअपियर हो जाता है। ये स्लाइड क्लियर है? हमने कॉर्डेट्स के देखे थे कि चार मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहनी चाहिए, उनमें फारेंजियल स्लिट्स रहनी चाहिए, नोटोकॉर्ड रहना चाहिए, एक नर्व कॉर्ड चाहिए था, पोस्ट एनल टेल चाहिए था। ये सारी चीजें एडल्ट्स में होती है। कौन डीजे ब्रोकन गेम एसजे है वो, कोई जो भी हो बेटा वो छोड़ो, ठीक है। ये चार चीजें हमने देखा था कि कॉर्डेट्स में रहने चाहिए, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे, क्या एक प्रेजेंट नहीं है एडल्ट में, नोटोकॉर्ड जो है वो एब्सेंट दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। एक हर्डमैनिया करके स्पीशीज है, ठीक है, हर्डमैनिया करके स्पीशीज है, उसके लार्वा जो है, ठीक है, वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं। नाउ द वर्ड रेट्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, जैसे एक प्रोग्रेसिव होता है ना, प्रोग्रेसिव यानी कि प्रोग्रेस यानी कि इम्प्रूवमेंट, वैसे ही उसका अपोजिट होता है रेट्रोग्रेसिव, ठीक है। इतना क्लियर है? प्रोग्रेसिव का मतलब जैसा होता है इम्प्रूवमेंट, रेट्रोग्रेसिव बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट होता है, यानी हमारा जो लार्वा रहता है वो वेल डेवलप्ड रहता है एडल्ट से, लार्वा जो स्टेज रहता है वो एडल्ट से वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने मिलता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है यहाँ पे वेंडोसाइट करके, थर्ड मैनिया में हमें देखने मिलता है एक वेंडोसाइट करके पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि उनके ब्लड को ग्रीन कलर देता है। तो थर्ड मैनिया के जो ब्लड रहता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो ओपन रहता है। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो एस्किडिया, साल्फा, डोलियोलम, है ना, डोलियोलम, अगेन दिस थर्ड मैनिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। अगर ठीक होगा तो यस यस लिखो फटाफट। ओके, okay.
अच्छा ये दो चीज देखो, यहाँ पे एक इनकरेंट साइफोन दिखा है और एक एक्सकरेंट साइफोन दिखा हुआ है। ये मराइन होते हैं है ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ से एक इनकरेंट साइफोन से वाटर अंदर लेंगे, फिल्टर करेंगे, फूड वगैरह उन्हें वाटर से ही मिलेगा, और एक्सकरेंट साइफोन से ये वाटर को रिलीज कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये अपना बाकी के फंक्शंस वाटर के थ्रू करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो इनके गिल स्लिट्स प्रेजेंट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, आउटर कवरिंग जिसे हमने ट्यूनिक बोले थे, ये गोनाड प्रेजेंट है, गोनाड जहाँ से ये अपने गैमेट्स जो है वो क्या करेंगे, वाटर में रिलीज करेंगे। इसके वजह से इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा। ठीक है, सी देयर इज इंटेस्टाइन जेनाइटल डक्ट जिसे हमने बोला है, दिस इज स्टमक, यहाँ से फूड एंटर होने के बाद हमारे स्टमक में चले जाएगा डाइजेशन के लिए, यहाँ पे हार्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो चीज आपको याद रखना, इनकरेंट साइफोन एंड एक्सकरेंट साइफोन। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा के बाद हमने देखा था सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, राइट, हमने देखा था सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। इसमें क्या होगा, अच्छा ये आपने डिसेक्शन बॉक्स में देखे हो, अपना ब्लेड देखे हो, वो सर्जरी ब्लेड जिसे हम किसी एक इस तरह से कुछ होता है जिसपे हम लगाते हैं, अटैच करते हैं, ऐसा ब्लेड देखे हो आपने, ये वाला इस तरह से ब्लेड होते हैं, इस ब्लेड को हम बोलते हैं सर्जिकल ब्लेड या फिर लैंसलेट, इसीलिए यहाँ हमने इसे लैंसलेट करके एक नाम दिया हुआ है, एम्फियोक्सिस लैंसलेट बोलते हैं। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है पर एम्फियोक्सिस के बाद लैंसलेट करके भी हम ब्रैंकियोस्टोमा को बोलते हैं लैंसलेट, इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अरे मस्ती मत करो, नोटोकॉर्ड्स जो है हेड से लेके टेल तक रहते हैं, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं, इवन दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, है ना, ये सी वाटर में हमें सीज में देखने मिलेंगे, सीज में ओशियंस में देखने मिलेंगे। पेरेंजियल गिल स्लिट्स आर मोर न्यूमरस एंड बेटर डेवलप्ड देन यूरोकॉर्डेटा, ओके, ज्यादा से ज्यादा न्यूमरस होंगे और बेटर डेवलप्ड होंगे हमारे यूरोकॉर्डेटा से। ठीक है, यहाँ फिन्स प्रेजेंट होंगे, अपेंडेजेस एब्सेंट होंगे, अपेंडेजेस इन द सेंस बेटा ये अगर ह्यूमन है तो हम उसके हाथ और पैर जो होते हैं हम उसे अपेंडेजेस बोलते हैं ना, सो दिस आर एब्सेंट, ओके दिस आर एब्सेंट, दे हैव अ क्लोज्ड सर्क्यूलेटरी सिस्टम, नो डेफिनेट सीलोम, सेक्सेस आर सेपरेट हियर, ओके, इसका एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा जिसे हम लैंसलेट या फिर एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं। क्लियर है, नाउ वर्टिब्रेटा है ना, वर्टिब्रेटा दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, वर्टिब्रेटा इसमें सबसे बेसिक चीज यह है कि नोटोकॉर्ड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाएगा, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम, ये दिख रहा है आपको वर्टिब्रल कॉलम है ये हमारा, सो द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स जो कि आइदर बोन या फिर कार्टिलेज से बने होते हैं, बोन या फिर कार्टिलेज से बने होते हैं। ठीक है, अब ये बोन और कार्टिलेज के बेसिस पे ही हमने तो पाइसेस क्लास को डिवाइड किया था, ठीक है, पाइसेस को डिवाइड किया था हमने, बोन बोन बोनी फिश होती है या कार्टिलेजिनियस फिश होती है, इसके बेसिस इसके ऊपर से। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा वेल डेवलप्ड होता है, हमारे पास ब्रेन बॉक्स होता है वर्टिब्रेटास में, ठीक है, स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, है ना, हमने ब्रेन बॉक्स यानी कि हमारा स्कल हो गया जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ फिन्स या लिम्स, है ना, दो पेयर रहेंगे फिन्स या लिम्स के, जैसे कि ये हो गया ये ऊपर का ऊपर के हमारे अपर साइड ऑफ फिन्स या लिम्स हो जाएंगे और जो नीचे में रहेंगे जैसे हमारे पैर वो हो जाएंगे हमारे लोअर फिन्स। चकलस मत करो, क्लास के तरफ ध्यान दो।
जो ऊपर की तरफ जो हमारे जो फिन्स या हमारे गर्डल्स होते हैं या हमारे अपेंडेजेस होते हैं उसे हम पेक्टोरल बोलते हैं, दिस अपर साइड। लोअर साइड इज नोन एज पेल्विक, पेल्विक गर्डल्स है ना, पेक्टोरल गर्डल्स, दिस हैंड इन ह्यूमंस एंड लेग्स। वैसे ही हमारे फिशेस में भी तो फिन्स वगैरह होते हैं ना, फिन्स होते हैं, एक अपर के साइड में होते हैं पेक्टोरल एंड एक लोअर साइड में होते हैं पेल्विक। यहाँ पे टेल है इनकी, ये आई है। देन डॉर्सल नर्व कॉर्ड इज गेट डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ना, दिस इज ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड रहते हैं। हमारी जो डॉर्सल नर्व है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। देन ये हार्ट इज वेंट्रल, हार्ट इज वेंट्रल, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अभी तक हम डॉर्सल हार्ट देख रहे थे बैक साइड पे, वेंट्रल इन द सेंस फ्रंट साइड पे रहेगा, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेंगे। दिस इज अवर वर्टिब्रेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेटा। देन अब हम अगांता देख रहे हैं, डिवीजन अगांता में हम देख रहे हैं क्लास साइक्लोस्टोमाटा, क्योंकि जो दूसरा वाला जो था हमारा ऑस्ट्राइकोडर्मी वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो उसके बारे में हमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। साइक्लोस्टोमाटा अगर हम पढ़ेंगे तो ये एनिमल जॉलेस है ना, अगांता का ये अगांता का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही था कि ये जॉलेस होते हैं, ठीक है। सर्क्यूलर माउथ प्रेजेंट होता है इनमें, जो माउथ होता है इनका सर्क्यूलर होता है। एक्टोपैरासाइट्स होते हैं ये फिश पे, एक्टोपैरासाइट का मतलब ये होता है कि वो उनके स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्किन पे प्रेजेंट होते हैं, यानी आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं एंड एक्ट एज अ पैरासाइट, दैट इज नोन एज एक्टोपैरासाइट। ओके, सो दिस साइक्लोस्टोमाटास आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिश। द बॉडी इज राउंड एंड इलोंगेटेड लाइक ईल, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इनकी बॉडी कैसी है, ईल की तरह है। स्किन इनकी सॉफ्ट और स्मूथ होती है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे हमारे फिशेस में स्केल्स होते हैं वैसे यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। पेड फिन्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, हेड और ब्रेन भी पुअरली डेवलप्ड है, ठीक है। कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट, ये कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, बोन्स नहीं होते हैं। कार्टिलेज पता है ना आप सबको, जो हमारे ईयर में, जैसे हमारे ईयर में हमारे जो बोन्स जैसे हम बोलते हैं जिसे, दैट इज कार्टिलेज, ओके, दैट आर नॉट बोन्स, दैट इज कार्टिलेज। हार्ट हियर इज टू चैम्बर्ड, हार्ट हियर इज टू चैम्बर्ड, एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, ठीक है। हार्ट जो है टू चैम्बर्ड रहता है, यानी यहाँ पे हमारे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हमें देखने मिलता है, ब्लड मिक्स हो जाएंगे क्योंकि दो ही चैम्बर्स है। दिस आर कोल्ड ब्लडेड, अगेन कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताती हूँ कि कोल्ड ब्लडेड जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रखते हैं, इसलिए हम उन्हें कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड इन द सेंस दे डू नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर, अगर बाहर अगर इनका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है प्लस बाहर एटमोसफियर का, तो इनका भी टेम्परेचर प्लस 10 डिग्री ही सेल्सियस रहेगा। अगर माइनस 10 डिग्री है तो इनका भी टेम्परेचर, इनके बॉडी का टेम्परेचर भी माइनस 10 ही रहेगा। लेकिन ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है, हमें आप देखते हो ना, ठंडी रहे या गर्मी रहे हमारा बॉडी एकदम से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस आर कोल्ड ब्लडेड इन द सेंस दे हैव दे डू नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर एंड दिस इज नोन एज पोइकिलोथर्मिक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दिस इज पोइकिलोथर्मिक। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम पोइकिलोथर्मिक भी बोलते हैं, दैट डज नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर, ओके, दिस डू नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर। इतना ओके है, आगे बढ़े।
देन नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, है ना, नोटोकॉर्ड जो है वो एंटायर लाइफ में उनके प्रेजेंट होता है. 6 to 15 pairs of gills present होते हैं, 6 to 15 pairs of. Heart here is two-chambered, ठीक है. Cyclostomes are marine but migrate for spawning to fresh water. This is again very important चीज, okay? ये बहुत important है. इसमें क्या होता है बेटा कि ये रहते तो marine water में है लेकिन ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में जब इन्हें एग ले करना होता है. स्पॉनिंग इन द सेंस लेइंग ऑफ एग्स, ठीक है, स्पॉनिंग इन द सेंस लेइंग ऑफ एग्स, ओके. तो जब इन्हें एग ले करना होता है तब ये फ्रेश वाटर की तरफ माइग्रेट करते हैं. रहते कहाँ है, मराइन एरिया में, और मूव कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर में जब इन्हें एग ले करना होता है. Example is Pteromyzon and Maxim and hagfish. Okay, these are our some examples of cyclostomata. Clear है क्या? कुछ समझ में आ रहा है क्या? नहीं कि मैं सिर्फ अकेले बात करते जा रही हूँ. Repeat करूँ पूरी क्लास आज की शॉर्ट में फटाफट से. हमने क्या पढ़े थे? कॉर्डेटा पढ़े, ठीक है. हमने क्या पढ़े? कॉर्डेटा पढ़े, एक जो कि एक फाइलम है. उसके बाद हमने सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा देखा था, उसके बाद सिफालोकॉर्डेटा देखा, ठीक है. फिर हमने वर्टिब्रेटा पे आए. वर्टिब्रेटा में हमने अभी तक अगांथा में साइक्लोस्टोमा हमने इतना कंप्लीट कर दिया है, ठीक है. हमने इतना कंप्लीट कर दिया है. अब हमने यूरोकॉर्डेटा में क्या क्या देखे, यूरोकॉर्डेटा में हमने क्या क्या देखा है कि वो एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो मराइन होते हैं, उसे हम ट्यूनिकेट्स बोलते हैं. एडल्ट्स जो होते हैं वो एक सेल्यूलोज जैसे सब्सटेंस से कवर्ड रहते हैं, जिसे हम वो उस सब्सटेंस को हम उस कवरिंग को हम ट्यूनिक बोलते हैं, ठीक है. यूरोकॉर्डेटा जो होते हैं वो जनरली सेसाइल होते हैं. नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल तक के होता है. नर्व कॉर्ड जो होते हैं वो उनके सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होते हैं. कॉर्डेट्स में हमें चार चीजें चाहिए थी जो कि फैरेंजियल स्लिट, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और एक पोस्ट एनल टेल. हमारा ये सारी चीजें हमको कॉर्डेट्स में जरूरी थी लेकिन हमारे यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड्स एडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं, इन द सेंस लार्वा उनके एडल्ट से ज्यादा डेवलप्ड होता है, ठीक है. अगेन देन वी हैव लर्न्ड अबाउट सिफालोकॉर्ड. सिफालोकॉर्डेटा में हमने क्या पढ़े कि नोटोकॉर्ड जो वो हेड से लेके टेल तक के प्रेजेंट रहता है, यही लिखा हुआ है, ठीक है. उसके बाद ये भी मराइन होते हैं, फिश जैसे होते हैं. लैंसलेट, हमने ये एग्जांपल देखा, लैंसलेट ना सर्जिकल ब्लेड जैसे होते हैं लैंसलेट. इनका कोई सीलोम डिफिनेट सीलोम नहीं होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं. फिर हम आए थे वर्टिब्रेटास पे, है ना. वर्टिब्रेटा के हमने थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि नोटोकॉर्ड जो है वो आगे चल के एडल्ट स्टेज में क्या बनाता है, वर्टिब्रल कॉलम बनाता है, ठीक है. किसी में क्या हो सकता है, किसी में सिर्फ कॉन्ड्रियोसाइट जैसे कि जिसमें कार्टिलेज हो सकता है, या किसी में बोन्स हो सकते हैं, है ना. किसी में कार्टिलेज हो सकता है या किसी में बोन्स हो सकते हैं. उसके बाद उनका जो नर्वस सिस्टम था वो वेल डेवलप्ड था. जो हमारा जो स्कल था वो प्रोटेक्टेड था बाय ब्रेन बॉक्स, जिसे हम क्रैनिएटा बोलेंगे, ठीक है. ब्रेन बॉक्स, क्रैनिएटा. टू पेयर ऑफ फिन्स या लिम्स हमें देखने मिला था, है ना. टू पेयर्स ऑफ फिन्स या लिम्स देखने मिले थे. ऊपर वाले फिन्स या लिम्स को हमने क्या बोले थे, पेक्टोरल. नीचे वाले को पेल्विक ना. डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो थी हमारी, जो डॉर्सल नर्व कॉर्ड थी वो हमारी एक ब्रेन में और एक स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंशिएट हो रही थी, ठीक है. डॉर्सल नर्व कॉर्ड जो थी वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे डिफरेंशिएट हो रही थी. उसके बाद हार्ट हमने देखे कि वेंट्रल था, ठीक है. हार्ट जो थे हमारे वेंट्रल थे. ये सारी चीजें हमने देखी हमारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा में. अब सब फाइलम वर्टिब्रेटा के बाद हम आए थे डिवीजन अगांथा पे, ठीक है. डिवीजन अगांथा पे जिसमें जॉस प्रेजेंट नहीं थे, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया.
हमने ऑस्ट्राकोडर्मी नहीं देखे बिकॉज दीज आर एक्सटिंक्ट. हमने क्या देखा, साइक्लोस्टोमैटा देखा हमने. साइक्लोस्टोमैटा में फिर हमने क्या क्या पढ़े, जॉलेस होते हैं हमारे एनिमल, एक्टोपैरासाइट होते हैं फिश पे, यानी कि फिश के स्किन पे प्रेजेंट रहेंगे वो, ठीक है. इनकी बॉडी कैसी होती है, ईल की तरह होती है, स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं इनमें, पैड फिंस भी प्रेजेंट नहीं होता है. इनका ब्रेन और हेड जो है वो पुअरली डेवलप्ड होता है. इनके इनका जो बोन्स होता है वो कैसे होते हैं, एंडोस्केलेटन, जो स्केलेटन होता है वो कैसे होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, बोनी नहीं होता है. हार्ट इनके टू चेम्बर्ड होते हैं. रेस्पिरेशन वो किस चीज से करते हैं, सिक्स में रेस्पिरेशन के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स, है ना. हार्ट इनके होता है टू चेम्बर्ड. मराइन होते हैं, लेकिन जब उन्हें एग ले करना होता है तो वो कहाँ चले जाते हैं, फ्रेश वाटर में चले जाते हैं. इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे टेरोमाइजोन एंड मैगजाइन, हैगफिश भी देखा था हमने. इतना क्लियर है, आज हमने इतना पढ़ा था पूरा. कल हम क्या पढ़ेंगे, सब फाइलम गैंथोस्टोमैटा पढ़ेंगे, जिसमें हम पाइसेस पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल क्लास, एव्स और मैमेलिया, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है. बाकी की क्लास हम कल लेंगे अभी.